कर्फ्यू में आपको मालूम है रिलैक्सेशन क्यों ख़त्म की गई थी। हमारे पास कल 9 मामले जो है वो कुठेड़ा केरला के जो क्वारंटीन में रखे थे जोहान नवोदय विद्यालय में, वो पॉजिटिव आए। और फिर उनके पॉजिटिव आने के बाद उनकी मूवमेंट का इशू होता है, और जो पॉजिटिव जो कोविड पॉजिटिव केसेस आए थे उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेसिंग करने के लिए जो समय लगता है, तो तकरीबन आज हमारा वो कार्य जो है वो पूरा हो गया है। तो कल से हम जो कर्फ्यू में जो रिलैक्सेशन जो ढील देते हैं वो उसी तरह से देते रहेंगे जैसे पहले चल रही थी। सिर्फ उन 4 पंचायतों में जो कि अभी हमारे लिए क्रिटिकल है और जहाँ पर हमारा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य जो है वो अभी पेंडिंग है, थोड़ा बहुत एक आध दिन और लग सकता है। ये 4 पंचायतें हैं, एक तो हमारी हॉटस्पॉट पंचायत है कुठेड़ा केरला, उसके बगल में लगती कटोड़ खुर्द, साथ में हमारी एक पंचायत सिद्ध चलेट है, वहाँ भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी है, और एक पंजोआ लड़ोली। ये 4 पंचायतें जो हैं इनके ऊपर जो है वो कर्फ्यू में कोई ढील नहीं है। बाकी जगह जैसे सामान्य रूप से कर्फ्यू में ढील दी जा रही थी वैसे दी जाएगी। सर जो रिपोर्ट है वो 20 के करीब रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है टंडा मेडिकल कॉलेज में, तो क्या उनकी आने की उम्मीद? जी 8 रिपोर्ट्स तो आज गई हैं, 8 सैंपल आज गए हैं। 12 सैंपल जो पिछले कल गए थे, अभी तक उनमें हमें राहत मिली है कि 11 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। तो जो एक 11 रिपोर्ट नेगेटिव है, जो अच्छी बात जिला के लिए है, वो ये बड़ी बात है। एक रह गई है, तो उम्मीद है वो अगले बैच में लगी होगी तो वो भी आ जाएगी। तो सर जो अपना जिन पंचायतों में ये मामला आया है, जिनमें जो आप रिलैक्सेशन खत्म जो है वो कर दी गई है, वहाँ पर कितने लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, कितने लोगों को चिन्हित किया गया है जो कॉन्टैक्ट में आए हैं? कुल मिला के हमने अभी तक पुलिस ने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है इंटरोगेशन के बाद, वो 119 लोग जो है वो वहाँ तक हम पहुँचे हैं। और जो 119 लोग ऑलरेडी, उनमें से पिछले कल तक भी हमारे पास 100 लोग जो थे वो आइडेंटिफाइड थे, आज 19 लोग जो है और उस लिस्ट में जो है ऐड हो गए हैं। अब उन लोगों को हमने होम क्वारंटीन में रखा हुआ, कुछ लोगों के सैंपल्स आज भी ले रहे हैं जो कि हाईली क्रिटिकल थे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा निरंतर। मुश्किल ये नहीं है कि कोई कोरोना पॉजिटिव आ रहा, जो कोरोना पॉजिटिव आएगा उसकी जो जो हेल्थ केयर उसकी की जा सकती है उसको कर दिया जाएगा। मुश्किल की संभावना यहाँ पर रहती है कि कोई संभावित जो जमात लगा के आया है या जमातियों के कॉन्टैक्ट में कोई आया है वो कोई छुपा ना हो। अभी तक सैंपल लिए गए हैं, अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 92 सैंपल्स लिए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 12 जो है वो पॉजिटिव आए। जिला में जो है जितने क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनमें व्यवस्थाएं जो है वो ठीक है? जितने हमारे क्वारंटीन सेंटर्स हैं, एक देखिए क्वारंटीन सेंटर को हमें समझना पड़ेगा। एक तो हमारे क्वारंटीन सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारे जब मास मूवमेंट हो रही थी जिला में, तो बाहर के जिलों के लोग और हमारे अपने जिले के भी लोग रखे हैं, तो ऐसे हमारे पास 1010 के करीब करीब लोग हैं वहाँ पर, उनको हम बफर क्वारंटीन सेंटर्स बोलते हैं। वहाँ पर व्यवस्थाएँ बढ़िया हैं, लोग खुश हैं। दूसरे क्वारंटीन सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई संभावित जो प्रॉक्सीमेट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले लोग होते हैं, जैसे खड में है और जोहार नवोदय विद्यालय में, तो ऐसे आज के समय में मेरे पास जोहार नवोदय विद्यालय और जो खड में हमारा क्वारंटीन सेंटर है, इन दोनों को मिला लिया जाए तो 21 लोगों को वहाँ पर रखा और 21 नेगेटिव हैं। अब अगले आने वाले समय में हम ये कॉल ले रहे हैं कि इन 21 लोगों को जो है वो होम क्वारंटीन करें, इन्हीं के घरों में करें। एक और होता है, वो होता है आइसोलेशन सेंटर। आइसोलेशन सेंटर यहाँ पर हमने डॉक्टर नंदा जी का हॉस्पिटल है और जो हमारा रीजनल हॉस्पिटल है यहाँ पर, उनको बनाया है। वहाँ पर हमारे 12 जो है वो लोग वहाँ पर हैं, उनमें से भी 12 में से भी हमारी कोई मुझे लगता है 7-8 लोगों की जो रिपोर्ट है वो आ गई और वो नेगेटिव आई। तो सर जो ये मौलवी था या जो जो पॉजिटिव आए हैं, इनका पता लगा किन किन लोगों से ये मिले हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड? जी मैं वही कह रहा हूँ कि 119 लोगों की हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी तक कर ली है, वो लंबी लिस्ट है। 119 लोगों को ये मिले हैं? 119 लोग वो हैं, इनमें जमाती भी इंक्लूडेड हैं और जमातियों के साथ जो संपर्क में आए वो भी इंक्लूडेड है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास 8 जमाती जो हैं वो यहाँ आए थे, जिनमें से 3 पॉजिटिव हैं और 5 नेगेटिव हैं, और बाकी जो ये 9 कल आए हैं हमारे पास, ये उनके कॉन्टैक्ट में आने, प्राइमरी कॉन्टैक्ट में आने से जो है वो पॉजिटिव। 119 कुल है टोटल? 119 अभी तक कुल हमने टेस्ट किया।
सर, इसमें एक आपको राशनिंग की जो व्यवस्था चल रही है जिला में, उसमें कैसा जी आप सर, कितने लोगों को जो है राशन दिया जा चुका है? ताकि अब तो ये लिस्ट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, 12,500-13,000 फैमिलीज़ को जो है वो अभी हमने राशन पहुंचा दिए, और जो भी कॉलिंग आ रही है उसको जो है हमारे लोग वेरीफाई करते हैं वहाँ पर जाके। कुछ जगह मिसचीफ भी हुई है, लोगों ने राशन की राशनिंग करना शुरू कर दी है, तो जो भी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं हमारे से या कई लोग वीडियो डाल रहे हैं, तो कृपया मेरा उन सोशल मीडिया के फ्रेंड्स के साथ अनुरोध है या कॉल करने वालों से अनुरोध है कि कृपया ये वेरीफाई कर लें कि उनको क्या राशन पहले दिया गया है या नहीं दिया गया। दिया गया होगा, 100% दिया गया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एक राउंड हमारा राशन का जो है वो कंप्लीट हो गया। एक सवाल है कि लोगों का कि आज क्योंकि सब्जी मंडी का काम को सब्जी मंडी आज तो किसान आ पाएंगे सुबह नहीं? अब आज व्यवस्थाएं हमारी जैसे थी पिछले कल के ऑर्डर के मुताबिक वही रहेंगे। आपका सब्जी मंडी तो सुबह से जल्दी खुल जाती है और शाम को भी खुलती है, दो टाइम सब्जी मंडी सुबह खुलेगी। सुबह सर 119 लोग हैं जो ये ऊना जिला के ही हैं क्या किसी अन्य जिला के भी हैं? 119 लोगों में से जो इंटीमेट कॉन्टेक्ट के लोग आए हैं ज़्यादातर वो लोग बाहर के हैं। इवन जो पॉजिटिव भी कल आए उनमें से सिर्फ एक मौलवी जो है, 9 लोगों में से एक मौलवी जो है वो यहाँ पर रहता था ऊना में, बाकी 8 लोग जो थे वो बाहर के, 2 यूपी के हैं, बाकी बाहर के जिलों के।